अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्लाह करे आप सब लोग ईमान और अमल की बेहतरीन हालत में हों, और रब से दुआ है कि हम सब से राज़ी हो जाएं, अपनी रज़ा के काम हमसे ले लें, हम सब की नियतें अपने लिए खालिस कर लें, आखरत का ईमान हमारे दिलों में डालें, आमीन। अपना क़ुर्ब नसीब फरमाएं, आमीन या रब्बल आलमीन। चलिए जी, जब तक हाँ आँख नज़र आ गई अल्हम्दुलिल्लाह, हम डीप ब्रीदिंग कर लेते हैं। डीप ब्रीदिंग से इंसान रिलैक्स भी हो जाता है, और तजवीद के लिए डीप ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप कुरान की तरफ आएंगे, पढ़ेंगे, तो हमारी सांस जल्दी नहीं टूटेगी और हम एक सांस से लंबी आयत पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो चलिए हम ऐसे करते हैं, डीप ब्रीदिंग कर लेते हैं पहले। चले जी, ऑक्सीजन इनहेल करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करेंगे। बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है ताकि लंग्स को ज़्यादा ज़्यादा फैलने की जगह मिले, ठीक है? तो चले जी, हम अब लेते हैं सांस, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालेंगे, ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे, ठीक है? लास्ट टाइम अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं और फिर हम बात करेंगे इंशाल्लाह। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما آمين اللهم فقهنا في الدين آمين। अच्छा जी, आज जो है इंशाल्लाह हम फुल रिवीजन करेंगे तमाम लेसन्स की, और इसके अलावा इंशाल्लाह हुरूफुल्लीन हम पढ़ेंगे, ठीक है? और हमने क्योंकि कंटिन्यू किया हुआ है तो इसको हम थोड़ा थोड़ा करके लेकर चलेंगे ताकि अच्छी से हमारी प्रैक्टिस हो जाए और लीन जो है उसकी अदायगी में कोई गलती ना करें। मैंने इसका सूल बताया था कि लीन के जो अदायगी है उसमें हम क्या करते हैं कि इस पे फतह है, कुरान पाक में इसे दो लीन मैंने बताया, एक वाव लीन एंड एक या लीन, ठीक है? वाव साकिन से पहले जब फतह आएगी तो वाव लीन कहलाएगा, एंड या साकिन से पहले फतह आएगी तो या लीन कहलाएगा। अदायगी इसकी किस तरह से है कि हम फतह के लिए एक काउंट के लिए हमारा जबड़ा खुलेगा, मुंह खुलेगा, आवाज़ एक काउंट के लिए ऊपर जाएगी जब खुलेगा, ठीक है ना? एंड देन नरमी से हम फिर वाव के साथ जोड़ेंगे। लीन अरबी ज़बान में नरमी को कहते हैं, अरबी लगत में लीन नरमी को कहते हैं, ठीक है? तो इसी तरह हमारी जब या पे आएंगे, दिस इज़ वाव लीन एंड दिस इज़ या लीन, तो तय के लिए हमारा वही आवाज़ काउंट के लिए ऊपर जाएगी एंड नरमी से या के साथ मिलेगी। कैसे मिलाएंगे? तय फतह वाव सुकून ताऊ, तय फतह वाव सुकून ताऊ, तय फतह वाव सुकून ताऊ, तय फतह या सुकून ताई ताई। अब देखिए थोड़ा सा एग्जेजरेशन करूँ कि ऊपर आपको दिखा रही हूँ आवाज़ ले जाके, और फिर यहाँ से जो ताई ताई, ठीक है? ताऊ ताई। और मैंने आपको बताया था कि अगर आप भूल जाएं कि इसकी आवाज़ कैसी है, तो फिर मैंने आपको बताया था कि वावलीन के लिए लखनऊ एंड बढ़ाई ताई के लिए, ठीक है? याइलीन के लिए। तो कैसे इसे अदा करेंगे? ताऊ ताई साऊ साई, ठीक है? ताऊ ताई साऊ साई, दाऊ दाल बारीक है। अच्छा, हमारे जो लेटर्स हैं, हमारे जो लेटर्स भी खूबसूरती से जो बारीक हैं उन्हें बारीक अदा होना पड़ेगा, ठीक है? उसे हम मोटा नहीं करेंगे। दाऊ दाऊ दाई दाई दाई, जाऊ जाऊ जाई जाई, रॉ, ठीक है? रॉ मोटा है और इसकी मोटाई बरकरार रखेंगे, इस पर फत है। राऊ राऊ राऊ, रॉई रॉई रॉई। अच्छा, जो वाव की जो इसका फ्लो है ना, इसमें जो नरमी है, और हवा से फील करें, आऊ आऊ आई, ठीक है? दोनों में रखावे है वाव एंड या में, तो इसको फील करें। जैऊ बजिंग साउंड है जै की, जैऊ 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 जई जई जई।
ज़ाई, ठीक है। और ये हमारा लास्ट लेसन था जो हमने किया था, आज इंशाल्लाह हम नया करेंगे। सीन, सीन की आवाज़ उसी तरह बारीक है। अगर आप भूल जाएं कि सीन की आवाज़ कैसी होनी चाहिए, तो अंग्रेज़ी का जो लेटर है इंग्लिश का सी की आवाज़, सी, ठीक है। सीन फतह, वाव सुकून, साउ सा साउ साउ साउ, ठीक है, इसे मोटा नहीं करेंगे। सीन फतह, या सुकून, साई साई साई, साउ साई साउ साई, शाउ शाउ शाउ, शाई शाई शाई। सौद, इसको पहले प्रैक्टिस कर लें सौद को, ठीक है। ये बारीक लेटर थे, ये आराम से हो गए, इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं पहले। सौ 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 सौ, अपने मखरे से अदा होगा, सौ 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 सौ, सौ सौई सौ सौई सौ सौई। वही वही की जो साउंड है ना, जो होंठ इस्तेमाल होते हैं, वो कहीं भी होंठ इस्तेमाल नहीं होंगे। स्वाद उसी तरह हम अदा करेंगे जिस तरह स्वाद मोटा अदा किया जाता है, ठीक है। सौ सौई सौ सौई। अच्छा, ये इतना काफ़ी है क्योंकि इनकी अदायगी, क्योंकि मोटे लेटर्स आ रहे हैं। अगर मैं सब, मेरा पहले इरादा था कि सारे मोटे करवा दूँ, लेकिन ये आपसे अदा नहीं होगा। तो आप अगर इसको प्रैक्टिस कर लेना यहाँ से यहाँ तक, एक लाइन मेरा ख्याल है काफ़ी है, ठीक है। क्योंकि मोटे लेटर्स जो है उनकी अदायगी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कर लें इस तरह से, और यहाँ पे वीडियो आपके पास मौजूद होंगी और यूट्यूब पर भी मैं अपलोड कर दूंगी, तो वहाँ से भी इंशाल्लाह आप लोग ले सकते हैं। तो आपके लिए फिर इसकी अदायगी जो है, इसके साथ प्रैक्टिस करना आसान हो जाता है। बस रूल आपको याद रखने के, रूल कौन सा हमने इसमें अपनाना है, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम रिवीजन शुरू से, इंशाल्लाह सारी रिवीजन करेंगे, ठीक है। الدرس الأول الحروف الحرو حرو حرو، ठीक है। आज के लिए मैं सब स्टूडेंट्स को सिखा रही हूँ, तो आप लोग भी मेरे साथ प्रैक्टिस करें, ठीक है। الحروف الهجائية المفردة، एक एक करके बताऊंगी, ठीक है, ताकि आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। الحروف الهجائية المفردة مفردة، ठीक है। एक एक लेटर पे अलग अलग जाके, ताकि आपको पता चले कि इसकी अदायगी किस तरह है, क्योंकि जब आप पढ़ाएंगे तो इंशाल्लाह आप किसके आपको इसकी अदायगी बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसे अब कैसे हम पढ़ेंगे। एलिफ, लाम के नीचे कसरा है और हमज़ा हमारा फार थ्रोट से अदा होता है। एलिफ एलिफ एलिफ। आजकल क्योंकि टीचर को मैं ट्रेन कर रही हूँ, तो उनके हिसाब से मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जो पढ़ा रही हैं या पढ़ाएंगी, तो वो अगर गौर से सुने। एलिफ एलिफ, बे बे, आवाज़ ऊपर जाएगी, बे आवाज़ नहीं आएगी, साइड्स में नहीं जाएगी, इमाला नहीं करेंगे, ठीक है। बे टे से जीम है खो दैल दैल रो। इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे। अर्रो एर्रो एर्रो रो रो रो, ज़े बजिंग साउंड है, एज ज़े ज़े, सीन शीन सोद सोद, दोद दोद, तो तो तो, वो वो वो, आइन गोइन। और इसका प्रैक्टिस के लिए मैंने क्या कहा, इसे सुथरा करने के लिए, यानी यानी यानी, बादू बादू बादू, नाबुदू नाबुदू नाबुदू। फतह के लिए, कसरा के लिए अगर आप बेस्ट प्रैक्टिस चाहते हैं ना, जो मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट किया, तो मैं जो करवाती हूँ एपिग्लॉटिस को शेक करना, फतह के लिए आ 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
आई 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 आई, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि इससे आपका आइन जो है वो मोटा नहीं होगा, ठीक है। अदायगी मैं आपको बहुत अच्छे से पीछे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आइन, गोइन, फे, कौफ, कैफ, फ, जितने भी लेटर्स के एंड में आ रहा है, जैसे एलिफ, इसे वाजे करना ज़रूरी है, ठीक है। लैम, लैम की आवाज़ बारीक होगी, जैसे लैम्प में हम पढ़ते हैं और लैम्ब में हम पढ़ते हैं, LAMB एंड LAMP, ठीक है। लैम ऊपर लेकिन आवाज़ जाएगी, साइडवेज नहीं जाएगी, ठीक है। मीम, जहाँ पे मीम को स्ट्रेच कर रहे, हमारी आवाज़ नीचे जा रही है ना, या मद्दा बन रहा है, ऐसे मी, ठीक है। तो लोअर जॉ को नीचे थोड़ा ड्रॉप करें ताकि मद में बुलंदी आए, नाक में आवाज़ ना जाए, ठीक है। मीम, नून, वे, वे, है, हमज़ा, ये, प्रॉपर मखरज पे जाके अदायगी करनी है हमने, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा, डन के लिए आप लोगों ने डी लिखना है, ओके के लिए आप लोग के लिखेंगे, सही है। अच्छा जी, अब आ जाएं हमारे पास अलहरूफुल हिजाइयतुल मुरक्कबह। एलिफ, एलिफ, लैम, एलिफ, लैम, एलिफ, बे, एलिफ, लैम, एलिफ, लैम, लैम, एलिफ, लैम, जीम, लैम, एलिफ, बे, लैम, बे, कैफ, 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 बे, कैफ, ते, कैफ, एलिफ, कैफ, लैम, बे, कैफ, ते, ते, कैफ, से, बे, ते, से, नून, ये, बे, एलिफ, नून, एलिफ, ते, एलिफ, ये, एलिफ, से, एलिफ, बसीन, यासीन, नून, सोद, ते, दोद, से, तो, से, जीम, ते, है। अच्छा जी, नेक्स्ट पेज है हमारा, ठीक है। नून, खो, यह है, बैजीम, यह मीम, बैमीम, नून, मीम, नून, मीम, तैमीम, सैमीम, बैये, ये, नून, ये, तैये, सैये, नून, बैलैम, बैनून, लैम, तैनून, लैम, ये, तैलैम, ठीक है। लाम नहीं इसे पढ़ेंगे और ता भी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ये, सैलैम, नून, बैनून, बैनून, नून, तैये, नून, ये, सैनून, बै, सैनून, जीम, है। अच्छा, बै, तै, सै, है, एक ही पैटर्न से बारीकी से आवाज़ ऊपर जाएगी, ठीक है। खो, खो, है, से। अच्छा,
अच्छा, जो लोग ख की या मोटे लेटर्स की अदायगी जो है ना वो सही नहीं कर सकते, तो आप ये सोचें कि आपने ख को अंदर से मोटा करना है, क्योंकि मखरज अंदर से, होंठों का इस्तेमाल नहीं करेंगे इसमें, ठीक है ना। तो ये जब मैं अल्हम्दुलिल्लाह 101 पढ़ा रही होती हूँ तो ये माशाल्लाह मेरे स्टूडेंट फ़ौरन ही सही कर लेते हैं। तो आप लोगों से भी यही गुजारिश है कि आप अंदर से मोटा करें, यानी आपने क्या करना है, इसमें इस्तेआला है तो आपने ज़बान की जड़ ऊपर उठानी है और यूविला को, जो कव्वा लटक रहा है, वहाँ लेके जानी है, उसको लगानी है, ठीक है। गायन के लिए पूरा लगता है और इसमें लगता है, लेकिन ये कि थोड़ी सी हवा के लिए पैसेज रहता है, ठीक है ना। खोबे हैसे खोबे जीम ते ते है ते ये जीम बे बे खो ते ते है बे ते ये है ते ते नून है। हाँ नहीं बोलेंगे, बारीक है। कोई भी लेटर ड्रैग नहीं होगा। बाज़ लोग क्या करते हैं, स्ट्रेचिंग को कहते हैं ड्रैगिंग, वो ड्रैगिंग नहीं होती, वो आप लेटर को घसीट रहे होते हैं। ये मद जो है उसको पुल आउट, अपनी मखरज से निकाल रहा है, मोड़ से निकाल रहा है, ठीक है। तो आपने वो बुलंदी शो करनी है। तो कैसे शो करेंगे, है ठीक है। और कहाँ से हमारी बुलंदी ज़ाहिर होगी, हम कहाँ से इसे ज़ाहिर करेंगे बुलंदी, बताएं आप। आप लोगों को तो अब मैंने बहुत दफ़ा बता दिया, यह है बे। अच्छा जी, अब नेक्स्ट पेज, अल्हम्दुलिल्लाह। बे है एलिफ, बे है मीम, दैल जैल, जीम दैल, खो दैल, ठीक है। आप लोगों को बाकायदा मखरज मखरज जो है समझ में आ रहा होगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ, किधर मैं लगा रही हूँ, एक एक लेटर पे मैं जा रही हूँ और फुल मैं उसे खोल के उसको आप लोगों के सामने मतलब प्रोनाउंस कर रही हूँ, ताकि आपको पता चले कि मैं किस पे हूँ, कौन से लेटर पे हूँ, उसकी अदायगी कैसी है, ठीक है। रो अर रो ए रो ए रो रो जे रो जीम रो खो जे ये रो ते जे सीन शीन शीन लैम सीन लैम सोद दोद तो वो सोद बे तो बे दोद एलिफ वो एलिफ आइन गोइन आइन जीम गोइन है। गौ की आवाज़ मोटी ही होगी, गौ की आवाज़ आनी चाहिए, ठीक है। बे आइन या गोइन बे आइन बे आइन, और जो नून साकिन आइन का उसकी आवाज़ चलेगी, उसके बाद में हमने दाल उठाना है। बाइन दैल, ठीक है। हर लेटर पे अलग अलग जाना है। तैन दैल फै कौफ वै कौफ लैम फै वै कौफ वै नून कौफ रो ये फे रो ये फे ये है मीम नून है ते मीम ते हमज़ह हमज़ह हमज़ह। ये चारों हमज़ा हैं, ये हरूफुल्लीन है, ठीक है, साइलेंट लेटर है ये,
ये नहीं पढ़े जाते, और हमज़ा इनके लिए कुर्सी हैं, ठीक है, यानी कुरान पाक में जहाँ भी आएगा तो हमज़ा तो ये पढ़ा जाएगा, ठीक है, लेकिन अलिफ वाव एन या नहीं पढ़े जाएंगे। सीन हमज़ा लैम मीम नून अलिफ अलिफ, ठीक है, ज़ाहिर करेंगे, हरूफ मुक़त्तआत पर आ जाते हैं, अल-हुरूफुल मुक़त्तआ, ठीक है, अलिफ लैम मीम अलिफ लैम मीम सॉद, दोबारा अलिफ लैम मीम सॉद। जब आप इसे अदा करें ना हरूफ मुक़त्तआ को, तो लंबी सांस ले लिया करें और फिर आहिस्ता आहिस्ता निकाला करें अदायगी के वक्त, ठीक है। अलिफ लैम रो अलिफ लैम मीम रो कैफ। अच्छा पहले सांस ले लें, मैंने तो ले लिया, आप लोगों को मैंने इंस्ट्रक्शन दे दी, लंबी सांस लें क्योंकि मैंने फ़ौरन ही स्टार्ट कर दिया, ठीक है, तो थोड़ा सा रुकते हैं, सांस लें। कैफ है या आईं ओ सोद, ठीक है, फिर सांस ले लें, अब नई सांस से तो है तो है तो सी मीम तो सीन यासीन सोद हामीम हामीम। अच्छा अब इसमें दो रूल्स आ रहे हैं ना, आपको पता है कि एक तो स्ट्रेचिंग तो है ही है और जो मुदूद बन रहे हैं, लेकिन इसमें इख्फा है, एक बारीक और एक मोटा इख्फा, कैसे ऐसे अदा करेंगे। आईन सीन कौफ, ठीक है, कौफ नून। अच्छा सूरह आले इमरान की पहले और दूसरी आयत को पढ़ने के तीन तरीके हैं, पहले वक्फ का, दो रवानी के, ठीक है। अलिफ लैम मीम, सांस आवाज तोड़ दी, अल्लाहु अल्लो अल्लो अल्लाहु, हमजा जो है बारीक है, हमजा फतह है, अल्लो दो लैम दोनों मुखफ्फा में, ठीक है, अल्लाहु। अच्छा अब दूसरा तरीका जो रवानी के, अलिफ लैम मीम, मैंने क्या किया, मैंने पूरा वैसे खींचा जो लास्ट मीम था उसको सिक्स काउंट्स मैंने स्ट्रेच करके फतह डाल की, मैं लोहू कर दिया मैंने, ठीक है, यहाँ में हमज़तुल वसल पे मैंने ज़बर डाली थी, फतह डाली थी, और यहाँ पे मीम में। अच्छा इसका रवानी का दूसरा तरीका, वैसे तीसरा तरीका, अलिफ लैम मीम मैं लोहू, तो मैंने क्या किया, वही सारा पढ़ा गुन्ने तक, अकमल ग्रेड का, इसमें मैंने गुन्ना किया, उसके बाद फिर मैंने क्या किया, मीम को जस्ट मद असली बनाया, उस पर फतह डाली और लफ्ज़ुल जलाला से मैंने इसे जोड़ दिया, ठीक है। अच्छा अब आ जाते हैं हमारा जो है अलहरूफुल मुतहर्रिका, अलहरूफुल मुतहर्रिका, अलहरकात फतह कसरा दम्मा, हमजा फतह अ, हमजा कसरा ई, हमजा दम्मा उ, अ ई उ, ह ही हु, आ ई उ, ह ही हु, गो गी गु, खो खी खु, को की कु, के की कु, जे जी जू। अच्छा काफ का बहुत सारे लोग हैं, इनके मखरज जो है ना वो, यानी वो उसको क्या करते हैं, जब कसर के साथ आते हैं तो वो मखरज को हिट नहीं कर पाते, को की
कू, लेकिन इसे चबा चबा के कई नहीं करना, नेचुरल वे में को कई कू पढ़ना है, ठीक है। कू मोटा होगा, को एंड कू ये मोटे होंगे, को कू ये मोटे होंगे, ठीक है। इसका तरीका है, हम इसके लिए अगर कलकला करें उसकी प्रैक्टिस करें, अको अको यको उको, ठीक है, और थोड़ी एग्जिजरेशन के साथ, ताकि आपके जो स्टूडेंट्स हैं तो वो क्या करें कि कलकला वाजे तौर पे जब वो अदा करेंगे तो वो मखरज पे पहुंच पाएंगे और कॉफ वाजे होगा, ठीक है। तो इसको बेस्ट प्रैक्टिस है, मैंने बहुत आजमाई है, जो टीचर्स मुझे कहती हैं कि जो स्टूडेंट्स को करना नहीं आ रहा तो क्या करें, तो ये बेस्ट टिप है। को की कू कै की कू जै जी जू शै शी शू ये यी यू दो दो, मोटे किनारे लगेंगे, याद रखिएगा मोटे किनारे हमने साइड पे लगाने हैं, ठीक है। दो ली दू दो ली दू ले ली लू न नी नू रो री रू। प्रैक्टिस कैसे करेंगे, अर रो अर री अर रो अर री अर रो अर री रो रू, ये भी मोटा है, अर रू अर रू। जबान की जड़ आपने जब इसके लिए उठा ली ना रो के लिए, तो उसी तरह रू अदा करेंगे तो बहुत परफेक्ट अदा होगा, ठीक है। रो री रू तो त्री तू तो तू तो तू तो तू, प्रैक्टिस के लिए बेस्ट है कि आपने जबान की जड़ उठाई हुई है, इसे इतबाक इसमें पैदा हुआ हुआ है, उसी से उसको गोलाई दे दें, ठीक है। तो तू तो तू तो त्री तू दे दी दू ते ती तू सो सी सू सो सी सू से सी सू जे जी जू वो वी वू वो री वू वे री रू। यहीं से अदा हो रहा है जहाँ से वो अदा हुआ है, यही मखरज का टिप टू टिप, ठीक है ना। फ सी सू फ फी फू वे वी वू बे बी बू मै मी मू, ठीक है। अच्छा अब हम आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अब है हमारा الحروف المنونة، التنوين فتحتين كسرتين ضمتين، ميم فتحتين من، ميم كسرتين من، ميم ضمتين من، من من من। अच्छा देखिए, हरकात जब हमने अदा की, हमने मैंने कहा था हरकात की अपनी कोई आवाज़ नहीं होती, ये हमें डायरेक्शन बताती हैं कि जिस लेटर पे हरकत है तो उसकी आवाज़ कहाँ जाएगी। फतह के लिए वन काउंट के लिए ऊपर जाती है, कसरा के लिए काउंट के लिए नीचे जाती है, और दम्मा के लिए एक काउंट के लिए आवाज़ गोल हो जाती है। और इसके लिए हमेशा मैं आप लोगों को एक डायग्राम भी दिखाती हूँ, अगर मैं अभी यहाँ मेरे पास देखूँ है तो मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि किस तरह हमारी आवाज़ जो है वो फतह के लिए ऊपर जाएगी और कसरा के लिए नीचे जाएगी। मेरा ख्याल है यहाँ पे नहीं है, क्योंकि मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रही होती हूँ, तो नहीं है, नहीं नहीं है, हाँ यस, तो वो फिर उनको मुझे दिखानी पड़ती है, तो वो हाँ नहीं मिल गई। अच्छा जी ये है, देखिए जो हरफ मफ्तूह है फतह के लिए, हमारी आवाज़ एक काउंट के लिए ऊपर जाएगी, ठीक है, और हमारी ज़बान की पोजीशन कुछ इस तरह से होगी, और जबड़ा खुलेगा एक काउंट के लिए, यहाँ से खुलता है हमारा जबड़ा। और हरफ मकसूर के लिए क्या होता है कि ज़बान का दरमियानी हिस्सा रेज़ होगा और लोअर जा नीचे ड्रॉप करेंगे। और हरफ मखदूम के लिए क्या होता है कि हम अपने लिप्स को कंप्लीट रोल करते हैं, और हमारे जो लिप्स हैं फॉरवर्ड फ्रंट आउटवर्ड उसमें पुश करते हैं, और ज़बान नेचुरली पीछे से थोड़ी सी ऊपर से उठ जाती है, ठीक है, वाउ के लिए। तो और एक जो हमारा वो है, क्या नाम है, जो पेंसिल की नोक जितना जो फासला होता है ना, ये पेंसिल की नोक जितना फासला, ये देख रहे हैं आप, ये इतना यहाँ पर जो ये फासला है, ये पेंसिल की नोक जितना है इन्फिताह के लिए, ठीक है ना, आगे से खुला होता है, इन्फिताह है इसके अंदर, ताकि वाव की अदायगी खूबसूरती से अच्छे तरीके से हो सके। तो ये तो हमारे था जो हमारे हरकात थी उसके बारे में, तनवीन के जो हम कह रहे हैं फतहतैन कसरतैन दमतैन, जब भी दो फतह होंगे फतहतैन कहलाएगा, दो कसरा कसरतैन, ती और दो दमा तो दमतैन होगा। फतह के लिए
आवाज़ अकाउंट के लिए ऊपर जाएगी, ज़ाहिर है जबड़ा खुलेगा। और जो दूसरी हरकत है, एक हरकत मीम की है, दूसरी जो इसके अंदर नून छुपा हुआ है तनवीन में उसकी है। तो जब इसकी अदायगी करेंगे तो ऊपर से आवाज़ जाके मैन, और मीन के लिए क्या होता है कि नीचे से आवाज़ जाएगी और नून से मीन, ठीक है। और मुन के लिए आवाज़ गोल होगी मुन, और जब नून पे आएगी तो हम उस जो होंठ हमारे गोल थे उसे अनरोल कर देंगे, यानी हमारे मीम दम्मा पे तो रोल थे, नून पे अनरोल हो जाएंगे। तो इसकी अदायगी कैसे करेंगे, जैसे मैन मीन मुन। और मैंने आप लोगों को बताया कि इसकी तीन हालतें हैं, एक तो लिखने की हालत होती है पढ़ने की, और दूसरी वक़्फ़ की हालत होती है। लिखा हुआ तो आपको इसमें नून नहीं नज़र आता है, जब आप पढ़ते हैं तो इसमें नून छुपा मैन नज़र आता है, ठीक है, मीन मुन नज़र आता है। और जब दो ज़बर की तनवीन के साथ कोई इस तरह का आपको जब मिलेगा, जैसे अबैदन, अभी आप आएगा अबैदन तो आप देखिएगा अबैदन होता है तो अबैदा में बदल जाएगा, अलिफ मद्दा में, ठीक है। इसके अलावा जो कुछ होगा वो साकिन हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ मद्यावत बनेगी, जब दो हमारे पास ज़बर की तनवीन आएगी, फ़तहतैन आएगा, तो वहाँ हमारे पास क्या होगा, वो अलिफ मद्दा में बदल जाएगा, दो ज़बर की तनवीन। तो इसे कैसे पढ़ेंगे, मैन मीन मुन बैन बिन बुन वन विन वुन फन फिन फुन सन सिन सुन ज़न ज़िन ज़ुन ग़ौन ग़ीन ग़ुन। प्रैक्टिस कैसे करेंगे, ग़ौ ग़ी ग़ू ग़ौन ग़ौ ग़न, और नून बारीक है, ठीक है, ग़ी ग़िन, ठीक है, ग़ू ग़ौ ग़ुन। कंप्लीट रोलिंग करेंगे हम अपने लिप्स की, वुन मखरज पकड़ेंगे और फिर उसको रोल करेंगे, वुन 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 ज़ेन ज़िन ज़ुन सन सिन सुन सन सिन सुन तन तिन तुन दन दिन दुन तोन तिन तुन तोन तो कौन त्री तिन थू थोन, ठीक है। और नून बारीक है तो बारीकी से पढ़ा जाएगा, फिर रोन रिन रुन नन नीन नुन लैन लीन लुन दो दो दोन दई दिन दू दोन दोन दिन दोन यन यिन युन शन शिन शुन जन जिन जुन। ये जिन नहीं है, जी की आवाज़ इसे, जी 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 जिन जी जी जिन, ठीक है। जन जिन जुन कन किन कुन कौन किन कुन खन खिन खुन गन गिन गुन हन हिन हुन, ठीक है। अन 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 उन हन हिन हुन एन इन उन, ठीक है। हमजा की आवाज़ जो है वो अलजौफ से हम नहीं निकालेंगे, आ की आवाज़ नहीं आएगी, ए की आवाज़ आएगी। अ कहाँ से, अक्सुल हल्क से है, ठीक है, फार थ्रोट से। तो अदा करेंगे, अब हम आ जाते हैं हमारा तदरीबातुन अलल हरकाति व तनवीन, ठीक है। हमजा फतह ए, फतह ब, दैल फतह तीन दन अबदन वक्फन أبدا أحد أحد أخذ أخذ أذن أذن أمر أمر أنا أنا بخيل بخيل برارة برارة جعل جعل। ताय मरबूता हा साकिन में बदल जाती है, ठीक है। ताय तानीस, हाय तानीस भी इसमें अरब से हाय तानीस कहते हैं, हम इसे ताय मरबूता कहते हैं। तो बैरोह करके मोटा हानी अदा करेंगे, बल्कि हम कहेंगे बैरोह। जाल जाल जमा जमा हसद हसद हशर हशर खशिया खशी खलको خلق 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 ذكر ذكر رفع رفع رقبة رقبة سرور سرور سفرة سفرة صحفا صحفا صمد صمد طبق طبق
طابقا طابقا طوا طوى عبس عبس عدل عدل علاق علق عمد عمد عنابا عنابا غبرة غبره فعل فعل قترة قتره قتل قتل قدر قدر قرئ قرئ قسم قسم كبد كبد كتب كتب كسب كسب كفر كفر كفوا كفوا لبدا لبدا لمزة لمزة لهب لهب مسد مسد نخيرة نخيرة وجد وجد وسق وسق وقب وقب ولد ولد وهب وهب همزة همزة هدى هدى. उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने कैच किया होगा, क्योंकि जो पुराने पढ़ने वाले मेरे साथ तो उनके लिए तो आसानी है अल्हम्दुलिल्लाह. अब नए पढ़ने वाले जो ने पीछे सेशंस हैं यहाँ पर काफ़ी सारे और यूट्यूब चैनल पे भी है मेरे, ठीक है, तो उस पर भी आप जाएँ, वहाँ भी आपको ये सब वहाँ पर मिलेगा. तो वहाँ व्हाट्सएप ग्रुप के 126 वीडियोज़ हैं जो मैंने बनाई हुई हैं, तो उसमें अगर आप प्ले लिस्ट में जाएँ 126 वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप की, तो वहाँ भी आप उसके साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है ना. अच्छा जी, الحركات الطويلة با فتاء ألف صغيرة با با كسرة يا صغيرة بي با ضمة واو صغيرة بو با بي بو يا يي يو رو ار رو ار رو. practice ضروري ہے تاکہ ادائیگی صحیح ہو, ٹھیک ہے. رو ری رو ما مي مو لا لي لو و وي و نا ني نو آ إي أو ها هي هو ع عي عو غ غي غو ح حي حو خ خي خو ते. जो लेटर बारीक है ना उनको बारीक ही पढ़ने हमने, ठीक है. ती तू स सी सू स सी सू ज जी जू द दी दू ज जी जू ज जी जू स सी सू श शि शु सो सि सु दो वि दु तो ति तु वो वि वु फ फि फु को कि कु क कि कु. अगर मैं रुक गई थोड़ा थोड़ा करूँ फिर आप लोग रिवाइज नहीं कर सकते मेरे साथ ना, तो इसलिए जब आप लोगों को रिवाइज इसके साथ ही करें. अगर आप लोग वन गो में नहीं कर सकते, जो पुराने वो तो आदि हैं मेरे साथ, तो नए जो हैं वो थोड़ा थोड़ा करके पीछे सेशंस में जाएं, यहाँ पे आप इंशाल्लाह आपको सारे मिलेंगे, तो आप उसके साथ आराम से कर सकते हैं, ठीक है. हरूफुल मद ब फतह अलिफ सुकून ब ब दम वाव सुकून बू. अच्छा ये हो गया ना, हाँ ठीक है. ब कसरा या सुकून बी ब बू बी. पूरी एक्सप्लेनेशन जो है ना हरकात व तवीला की भी मौजूद है, हरूफुल मद की भी मौजूद है, पूरी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है. यूट्यूब पे जाएं, वहाँ पे सारे आपको जो मेरा ग्रुप है, मेरे ग्रुप में भी सारी वीडियोस मैंने डाली हुई हैं, तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगा, ठीक है. त तू ती स सू सी ह हू ही खो खू खी रो रू री ज जू जी तो तू ती
वो वी फै फू फी है हु ही ये यू यी ए ऊ ई। अच्छा, यहाँ पे तहज्जुद की नमाज़ वगैरह भी जैसे पढ़ाई जा रही है और अभी जा रही है, और नमाज जो कल का सेशन इंशाल्लाह, तो उसमें आप देखिएगा सारी अल्हम्दुलिल्लाह पीछे दुआएं भी मौजूद है, नमाज सीरीज़ पूरी मौजूद है, उससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं, बच्चों को आप सिखा सकते हैं। ठीक है, जय जू जी दे दू दी ज़ै ज़ू ज़ी से सू सी शे शू शी सो सू सी दो दू दी आ ऊ ई गो गु गी को कू की के कू की ले लू ली मै मू मी ने नू नी वे वू वी। अल्हम्दुलिल्लाह सारा डन हो गया आप लोगों के साथ, मैंने कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप लोग क्या करेंगे, इससे फ़ायदा उठाएंगे, आगे पहुंचाएंगे, जितने ज़्यादा आप अल्लाह के बंदों को इस तरफ लेकर आएंगे तो आपके लिए भी बेहतरीन सदक़ा जारिया बनेगा और मेरे लिए भी बनेगा। ठीक है ना, और बुलाएं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अल्लाह की तरफ, अल्लाह से जोड़ने की कोशिश करें। इसके अलावा ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, एक दूसरे से दूर करना जो है ना क्या है, जहन्नुम में ले जाने का सबब है। तो अल्लाह से मिलाने वाला बनाएं ताकि अल्लाह की तरफ जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। जब वो ये पढ़ेंगे तो आप लोगों के लिए बेहतरीन सदका जारिया बनेगा इंशाअल्लाह। ठीक है, और मेरे यूट्यूब चैनल है, उस पर जाइएगा, उस पर सारी माशाल्लाह कोई मोर देन 700 वीडियोज़ पड़ी हुई हैं तजवीद के ऊपर, एक्सक्लूसिव लेक्चर्स भी हैं इंशाअल्लाह, मेरी बुक भी है जो मैं लिख रही हूँ इंशाअल्लाह, और इसके अलावा अल्लाह ने किया तो इंशाअल्लाह जल्दी वो बुक आप लोगों के हाथों में होगी इंशाअल्लाह। और अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के इज़्ज़त से सारे काम होते हैं, कोई काम अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं होता। ठीक है, तो अल्लाह से दुआ करें मेरे लिए भी कि मेरे लिए अल्लाह आसानी करे, उसे जल्दी मैं कंप्लीट कर लूँ इंशाअल्लाह, और ये चैनल जो है इससे खूब फ़ायदा उठाएँ, और इंशाअल्लाह मुझे भी टाइम मिलेगा तो इंशाअल्लाह, काफ़ी टाइम मुझे मिला है तो मैं उसमें अब दूसरे लेक्चर्स जो है वो तैयार करूँगी, जो ख़ास टॉपिक्स लोगों ने मुझे कहे हुए, काफ़ी अरसे से फरमाइश है लेकिन क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, अब अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा मुझे टाइम मिला है तो अब इंशाअल्लाह मैं आप लोगों के लिए वो वीडियोस तैयार करूँगी इंशाअल्लाह। ठीक है, तो आप जुड़े रहें इंशाअल्लाह, लोगों को बुलाएं ज़्यादा से ज़्यादा, इससे फ़ायदा उठाएं, आप भी बच्चों को साथ बिठाएं, बच्चों को बिठाएं ताकि बच्चे फ़ौरन एब्जॉर्ब करते हैं, फ़ौरन पिक करते हैं, फ़ौरन माशाल्लाह वो तो इतनी रवानी से पढ़ते, इतना अच्छा पढ़ते, छोटे छोटे बच्चे जो है वो माशाल्लाह। ठीक है, फ़ायदा उठाएं और अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाएं, अल्लाह मुझसे आपसे हम सबसे कबूल फरमाए, और अल्लाह के बंदों को अल्लाह सुबहाना व तआला के बंदों को अल्लाह से जोड़ने वाला बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जत अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. آمين. يا الله قرآن مجيد کو میرے دل کی بہار اور سینے کا نور بنا دے، نیز میری مصیبت دور کرنے اور میرا رنج و غم ختم کرنے کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔